Please subscribe our channel for latest updates. संजय लीला पंसाली दी फिल्म पद्मावत नूं लै के पिछले कई दिनों तो विवाद चल रहा है क्योंकि राजपूत समाज के लोगों का दोष है कि इस फिल्म च चित्तौड़गढ़ की राणी पद्मावती के इतिहास नूं तोड़ मरोड़ के पेश किया गया जिस नूं लै के देश च प्रदर्शनकारी जगह जगह अपनी गुंडागर्दी विखा रहे हैं। उत्थे इस सारे बवाल च अज फिल्म पद्मावत रिलीज भी हो गई है। अमृतसर च कुछ लोग जिन्हां ने पद्मावत फिल्म वेख ली है उन्हां दा कहना है कि यह जो करनी सेना ते हिंदू संगठनां दे वल्लों प्रदर्शन किए जा रहे ने यह बिल्कुल गलत ने क्योंकि इस फिल्म च अजिहा कुछ नहीं है जो प्रदर्शनकारी दोष लगा रहे ने। आओ सुनते हाँ फिल्म वेखण वालियां दे विचार। कहना चाहे जिहड़ा करनी सेना गलत कर रही है, नजायज लोगों नूं खराब कर रही है, कोई उस गलत चीज़ नहीं कि फिल्म दे विच सही फिल्म आ। बहुत माड़ा कर रहे हरियाणे दे विच। अज वेखो की गल हुई आ, उत्थे बच्चियां दी स्कूल बस दे विच इहना दंगा कीता और ड्राइवर दी खुशहाली ना बच गए आ, नहीं ते बच्चे मर भी सकते सी। सरकार दा कर रहे हैं, पंजाब पुलिस दा कर रहे हैं थैंक्स, जिहड़े पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि ऐसा कोई होना नहीं चाहिए क्रिटिसिज्म, क्योंकि देखो एक मूवी है उसको एज ए मूवी देखो, ना कि कोई पॉलिटिकल इशू को क्रिएट करो। और ये जो वायलेंस हो रही है इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये तो मैं यही कहूंगी कि गलत बात है, नहीं होनी चाहिए। अगर लेडीज को इतना अपने हमने आजकल हमारे समाज ने सोसाइटी ने इतना प्रेफर किया आगे बढ़ने को बोला, तो ये एक डांस को लेके इतना क्यों इशू बनाया जा रहा है? बस और इशू है समाज में लड़कियों के प्रति, वैसे आजकल की सोसाइटी में तो बिल्कुल भी नहीं रहा। पहले टाइम में था कि ऐसे सोचते थे लोग, आजकल तो बिल्कुल नहीं है। कोई होगा वो बिल्कुल ही कोई इलिटरेट पर्सन जिसको पता ही नहीं होगा इसकी चीज़ के बारे में, वो शायद करे। नो नो सर, अगर हम मूवीज़ के बेस पे देखें तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। अगर कोई अपनी पर्सनल लाइफ के साथ उसको रिलेट करता है तो ये गलत बात है, नहीं होनी चाहिए। एज अ फिल्म देखें तो होनी चाहिए, अगर कोई अपनी लाइफ से इंटरफेयर करता है रिलेट करता है तो नहीं होना चाहिए ऐसा। दूजे पासे हुशियारपुर च भी कुछ लोगों के फिल्म वेखण तो बाद यही ही विचार ने कि फिल्म पद्मावत च अजिहा कुछ गलत नहीं है, फिल्म च इतिहास नूं बिल्कुल भी तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया गया। फिल्म वेखण वालियां ने हिंदू संगठनां नूं भी फिल्म वेखण की अपील की है तां जो उन्हां नूं सारी कहानी का पता लग सके। सर फिल्म बहुत वधिया हैगी, जिहड़े करनी सैना वाले ने एवं रौला पाया होया सीगा कि दंगे करदे पे हैगे कि पता नहीं की है इहदे विच, इदां दा मैनूं तां कुछ भी नहीं लगा हैगा। मैं तां उहनां नूं भी कहूंगी तुसीं भी एक बारी जरूर देखो मूवी ते फिर ही कुछ करो, अगे डिसीजन लवो तुसीं। फिल्म बहुत वधिया हैगी, सब नूं देखनी चाहीदी हैगी, फैमिली मूवीज हैगी, सब नूं देखो। बहुत वधिया फिल्म है जी, इहदे विच मतलब कि मैं तां वैसे इही कहिंदा एवं इत्थे लड़ाइयां झगड़े हो रहे आ इस फिल्म करके, तां फिल्म बड़ी है ही बड़ी वधिया, राजपूतां दा माण ही बड़ा कीता होया फिल्म दे विच। तुहानूं कैसी लगी जी? बहुत वधिया, वैरी नाइस फिल्म। तुसीं ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਆ ਜੀ? ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ 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 ਫਿਲਮ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ? ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਲਮ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਨਿਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਅੱਛੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਪਦਮਾਵਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰੂਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤਾਂ? ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ? ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਪਦਮਾਵਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਪਖਾਨਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਖਪਖਾਨਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ। ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਤੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਟੱਪਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ 'ਚ।